हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार जैसे पॉपकॉर्न। हाँ फ्रेंड, दो मिनट में आप बाजार जैसे पॉपकॉर्न घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा बटर। तो मैं आज बटर पॉपकॉर्न बना रही हूँ। दो चम्मच हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। आप अकेले रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। रिफाइंड ऑयल का सिर्फ यूज कर रहे हैं तो दो से तीन चम्मच आप रिफाइंड ऑयल ले। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इसके अंदर आधा कप हम पॉपकॉर्न डाल देंगे। तो ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और इनको कुछ सेकंड के लिए हम तेल और बटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बाजार जैसे बनाने हैं तो थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, दो पिंच के करीब। और इनको एक मिनट तक हम इसी तरह बटर और तेल के अंदर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बस इस तरह से हमें मिक्स करना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये उचकने लगे हैं और पॉपकॉर्न हमारे बनने स्टार्ट हो गए हैं। उस वक्त आपको क्या करना है, इसके ऊपर लगा देनी है एक लीड, ताकि जो पॉपकॉर्न है कढ़ाई के अंदर ही रहे, उचक उचक के बाहर ना आए। तो इस तरह से लीड लगा देंगे और पॉपकॉर्न से आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में, दो मिनट के अंदर कढ़ाई भर गई है। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें कीजिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पॉपकॉर्न कैसे बने। बहुत ही आसान है। जब भी आपका मन करे, बच्चों का मन करे, दो मिनट में आप पॉपकॉर्न घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बाजार में ये काफी महंगे मिलते हैं, पर आप घर में कुछ ही मिनटों में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुछ भी मिनट नहीं लगेंगे, सिर्फ दो मिनट। तो आप बनाइएगा, खाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पॉपकॉर्न कैसे बने। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे पॉपकॉर्न बने हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसे एक बाउल के अंदर सर्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, एकदम बाजार जैसे बने हैं। फिर मिलेंगे हम एक नई आसान रेसिपी के साथ।